प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जुडिशरी एग्जामिनेशन की रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें हज़ारों छात्र छात्राओं ने अपेयर हुए थे, जिसमें कि केवल 610 ही ऐसे कैंडिडेट हुए हैं दोस्तों जिन्हें कामयाबी मिली है। इस 610 सक्सेसफुल कैंडिडेट की फहरिस्त में एक नाम फरहानास का भी है। इसी फरहानास से मिलने के लिए मैं आ पहुँचा हूँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव सोहन चीड़ा सहारनपुर में। फरहानास 469 रैंक ला के ना केवल अपने माँ बाप बल्कि पूरे सोहन चीड़ा सहारनपुर का नाम रोशन किया है। तो चलिए मैं फरहानास से बात करूँगा उनकी इस कामयाबी के लिए। मैं फरहानास से बात करूँगा कि ये कामयाबी उन्हें कैसे मिली। चलिए मैं बात करता हूँ फरहानास। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये कामयाबी हासिल की है। आपको काफी ऑडियंस देख रहे हैं और खासकर लड़कियां हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं। सवाल ये है कि फरा, ये जर्नी कब से शुरू हुई, मतलब आपको जज बनना, मतलब पढ़ाई के बारे में बताइए, शुरू से पढ़ाई किस तरह आपने ग्रेजुएशन की, 10+2 की, उसके बाद क्या क्या हुआ, वो सारी चीज बताइए। जी, जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा BLLB से ये शुरू हो गया था, जब BLLB ऑनर जो मैंने 5 ईयर्स वाला किया है AMU मलप्पुरम कैंपस से, तो बेसिकली ये होता है कि जो हमारा 5 ईयर्स लॉ होता है तो वही सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट है जुडिशरी के रहते हैं। okay. और जो हमारा AMU वाला सिलेबस होता है वो पर्टिकुलरली जुडिशरी वाला ही है, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है जुडिशरी का। तो मैंने उसको ही फॉलो किया और अपने उस पढ़ाई को सीरियस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। सो इसमें PT होता है पहले, उसका मेंस और इंटरव्यू होती है, राइट? जी जी, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, प्री मेंस इंटरव्यू एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक सिविल सर्विसेज, जिसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है उसमें MCQs आते हैं और बाकी मेंस के लिए काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं और इंटरव्यू वही आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो LLB के बाद ही एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी करें तो आपको LLB करना होगा। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने कोचिंग वगैरह भी ली थी? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने सेल्फ स्टडी को ही प्रीफर किया है। ओके जी, मैंने खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इनफैक्ट मैंने तो अपने 5 ईयर्स जो मैंने लॉ किया है तो मैंने पर सेमेस्टर ही मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, उनको ही पर्टिकुलरली मैंने रिवाइज किया है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको जज बनना चाहिए, मतलब एक होता है ना कि एक हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर बने और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जज ही बनना चाह रही थी, इसके लिए क्या मम्मी पापा ने आपको बोला कि आप बेटा जज बनना है, या फिर खुद से अंदर से आपकी एक फीलिंग थी कि आपको जज बनना है? देखिए, मोटिवेशन तो मुझे तब से आया था क्योंकि पहले मैंने BA ऑनर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन लिया था। अच्छा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था तो मैंने तभी से शुरू कर दी थी BLLB ऑनर्स इसकी एंट्रेंस की तैयारी। तो मुझे तभी से मेरी बहन बुश्रा जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। okay. कि जी, और बाकी मेरे भाई हैं डॉक्टर तनवीर और मेरे घर वाले ऑब्वियसली मेरे माँ बाप, तो मोटिवेशन तो सबका रहा है, फैमिली से तो सभी का सपोर्ट रहा है, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन और सभी का ही रहा है मॉरल सपोर्ट या फिनेंशियल कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो बाकी घर वालों का तो ऑब्वियसली ज़रूरी होता है इन सब में, पेशेंस लेवल, क्योंकि 5 ईयर्स आप लॉ करते हैं, उसके बाद मैंने अपने रिसेंटली अपना LLM भी कंप्लीट किया है मई में ही, उसके साथ साथ मैंने तैयारी की तो क्रैक किया इस एग्जाम को। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं, सेल्फ स्टडी करके इतनी अच्छी कामयाबी फरहाने मतलब हासिल की है, दैट इज़ रियली गुड थिंग। सो फरहा, आप इस जर्नी में तो काफ़ी परेशानियां, दुश्वारियां भी आई होंगी आपको, और ये क्या फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर मतलब इसके बारे में? जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। अच्छा, फर्स्ट जी। मैंने और मैं जुडिशरी, UP जुडिशरी के लिए मेरा मेन फोकस था कि मैं UP में ही रहूं। ओके। बाकी मैंने कोई एक एग्जाम दिल्ली का मैंने दिया था, वो 2017 में दिया था, बाकी मेन फोकस मेरा UP के लिए ही था। ओके जी जी, अभी हमारा जो सिलेक्शन मतलब जो अपॉइंटमेंट होगा UP सिविल जज के रूप में होगा, जो कि जूनियर डिवीजन जी उसी के। तो कोई अपॉइंटमेंट आई है कि किस कहाँ पे किस? जी जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है, वो नोटिफाई करेंगे सून, अभी तो जो है प्रोसेस मेडिकल प्रोसेस बचा हुआ है। ओके। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट होगी तो फिर आपको बताया जाएगा कि आपको। जी जी जी। सो नाउ आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ तरह तरह के केसेस आएंगे, एन नंबर्स ऑफ, और उसको एज ए जज आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा जो भी प्रोसेस है आप जुडिशरी की। सो कभी ऐसा भी केस आपके पास आएगा जो जहाँ पे आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए कि किसके पक्ष में मतलब फैसला लें, उस कंडीशन में आप किस तरह का फैसला लेंगे? सपोज़ कीजिए कि दो हैं, एक अमीर है एक गरीब है, लेकिन गरीब जो है वो सच की बातें कर रहा है बट अमीर
ऐसा है जिन्होंने सारी पॉलिटिकल और फिनेंशियल इंजन्स यूज़ करके वो चाहता है कि ये मतलब ये केस जीते, तो उस कंडीशन में आपका क्या रोल होगा, आप किस तरह इस तरह के केस को हैंडल करेंगे? देखिए, आई विल बी जस्ट टू माई जॉब, बिकॉज मैं इसको बींग अ जज, इट इज़ नॉट ओनली अ जॉब बट इट इज़ अ लिविंग प्रोफेशन थ्रू विच वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सर्व द नेशन. तो मेरा ये नहीं होगा कि मैं गरीब या अमीर को देखूँ, आई विल बी जस्ट टू माई प्रोफेशन इंशाल्लाह. इस प्रोफेशन में जो आपको सिखाया गया है जी, इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, इस प्रोफेशन में जो सिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, उस चीज़ को आप बाखूबी निभाएंगे, चाहे आपको किसी तरह से भी फोर्स किया जाए, आप अपना धर्म निभाएंगी और इंसाफ करेंगी जी, राइट. सो जो ये तैयारी आपकी जुडिशरी की तैयारी थी, तो इसी कोई स्ट्रेटजी थी कि किस तरह पढ़ाई करनी है, या फिर इस तैयारी का पैमाना क्या होना चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ें? क्योंकि आपको काफ़ी स्टूडेंट देख रहे हैं और वैसे भी स्टूडेंट हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं. सो आप एक स्ट्रेटजी बताइए कि किस तरह बच्चों को तैयारी करनी चाहिए जुडिशरी की, बेसिकली क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसकी? देखिए, स्ट्रेटजी का अगर मैं बोलूँ तो जो आप जो भी एडमिशन लेते हैं BLLB या LLB में, तो आप हमारे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप उनको सही से पढ़ें उस टाइम पे, सीरियस होके, और नोट्स बनाते जाएं साथ साथ में, ताकि आपको ईजी रहे रिवाइज करना मेंस के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे. और बाकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए मैं कहूँगी कि MCQs जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. और बेरेक्स जो हैं उनको तो अच्छे से पढ़ें, और उनके साथ साथ जो है इनको MCQs को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है. हम पढ़ लेते हैं, कई बार ये होता है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. और मेंस के लिए मैं कहूँगी कि आप राइटिंग स्किल प्लस राइटिंग स्पीड पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 to 6 मिनट्स मिलते हैं एक क्वेश्चन एक आंसर लिखने के लिए, तो वो बहुत बहुत मैटर करता है. और बाकी इंटरव्यू का ये कहूँगी कि ये तो सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो उसमें तो ऐसे कोई परेशानी नहीं आती है. बाकी आप मेंस के लिए ज़्यादा ध्यान दें और प्रीलिमिनरी के लिए. सो मेंस में आप जैसे कह रही है लिखना पड़ता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं, लाइक कोई ऐसे वगैरह लिखना पड़ता है या फिर क्या चीज़ें होती हैं इसमें, लाइक क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली? जी जी, इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, एक ऐसे वाला भी रहता है और एक GS वाला रहता है, और बाकी लॉ वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं. ओके, तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग के साथ सब कुछ प्रिपेयर करना होगा. पीटी में किस तरह के पेपर्स होते हैं, पीटी में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? पीटी में देखिए करंट अफेयर्स होता है, एक स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके और GS रहता है, और बाकी एक जो हमारा सेकंड पेपर होता है वो लॉ वाला होता है. आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं उन बच्चियों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रही हैं जुडिशरी की, कि उन्हें और भी कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हैं? जी जी, मैं यही टिप्स देना चाहती हूँ कि आप अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखें, क्योंकि कई बार हम ये करते हैं कि बुक्स बहुत सारी ले लेते हैं लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं रहता है. करेक्ट. तो आप लिमिटेड सोर्सेज रखें और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, ताकि आपको ईजी रहे वो. और बाकी आप नोट्स प्रिपेयर करते रहें. एंड GS के लिए मैं कहूँगी कि आप कोई एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था जी, और एक मंथली मैगजीन आप लें, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, तो यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन. आपके फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी, फैमिली में मेरे जो बड़े भाई हैं वो IIT इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और बहन मेरी वहीं से PhD कर रही हैं, उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम दिया था. बाकी छोटी बहन भी वहीं से AMU से MSc कर रही है. तो अभी अब आगे क्या करना है, मतलब अब नाउ यू हैव टू वेट कि कुछ नोटिफिकेशन आएगी, वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, राइट? जी जी. तो ये प्रोसेस कितने दिन का है? मतलब अभी इसमें सुना है कि अभी तो लग जाएगा 1 to 2 मंथ्स, मतलब ज्वाइनिंग होने में. हमारे साथ फरहानाज इस इंटरव्यू में थी, जिन्होंने UP जुडिशरी का एग्ज़ाम निकाला है. हमें हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से इन्हें बहुत बहुत मुबारकबादी, और मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह फरहा और भी तरक्की करें, और अपने माँ बाप और इस सोहन छेड़ा गांव जहाँ से बिलोंग करती हैं, इस गांव का नाम और भी रोशन करें. सो फरहा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आई और आपने अपना वक्त दिया. थैंक यू वेरी मच.